सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद समाधान को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सबसे पहले हेल्थ के वीडियोस आप देख सकें। आयुर्वेद समाधान में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बालों को उगा सकते हैं, गंजेपन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। दरअसल ये पूरा वीडियो गंजे लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया है। यहाँ पर आपके लिए अच्छी खबर ये है कि हमारे पास बहुत से प्राकृतिक ऐसे इलाज हैं और घरेलू उपचार हैं जो आपके हर तरह की बालों की समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएंगे, और इनका इस्तेमाल करने से आप झड़ते हुए बालों को तो रोक ही सकते हैं, बल्कि इनकी जगह आप नए बाल भी उगा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको कारगर होगा प्याज का रस। नए बाल उगाने के लिए और गंजेपन को दूर करने के लिए प्याज का रस बालों के लिए बेहद असरदार है। प्याज का रस सर को साफ करता है और बालों को स्वस्थ रखता है। प्याज में सल्फर प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है, जो एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। बालों की बढ़त और उनके टूट कर गिरने से रोकने के लिए प्रतिदिन कच्चे प्याज का टुकड़ा खाने से बालों को पोषण मिलता है। प्याज खाने का सबसे अच्छा तरीका है, सलाद और सैंडविच में डालकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्याज के रस का इस्तेमाल सीधे अपने बालों पर कर सकते हैं। इसके लिए आप प्याज का रस निकालिए और उसको बालों में रब कीजिए, और 2 घंटे के बाद आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। दोस्तों, इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा नारियल का तेल और अरंडी का तेल, ये भी गंजेपन से छुटकारा दिलाता है। बालों को झड़ने से रोकने और उनकी जगह नए बाल लाने के लिए अरंडी और नारियल के तेल के मिश्रण का उपयोग बहुत ही उत्तम उपाय माना जाता है। अरंडी का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही विटामिन ई, प्रोटीन और कई सारे मिनरल भी पाए जाते हैं, जो बाल को बढ़ने और गंजेपन के इलाज के लिए काफी सहायक हैं। अगले उपाय की बात करेंगे, जिसमें आते हैं नीम के पत्ते। अपने बालों को निरंतर नीम के पानी से धोने से आपके समय से पहले जो बाल सफेद हो गए हैं वो रुक जाएंगे और गंजी जगह पर भी बाल बढ़ने में मदद मिलेगी। नीम के पत्तों में शक्तिशाली एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सिर के इन्फेक्शन को दूर कर आपके डैंड्रफ की समस्या को दूर कर देते हैं, साथ ही बालों की झड़ने की प्रॉब्लम को भी दूर कर देते हैं। अगला है जैतून के तेल की मालिश से गंजेपन से छुटकारा। जैतून का तेल बालों में बढ़त और गंजेपन को दूर करने के लिए काफी अच्छा कारगर साबित होता है। जैतून के तेल की मालिश बालों पर करने से बाल काले, घने और लंबे होते हैं। आप इस तेल से हेयर पैक भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको जैतून का तेल, शहद और दालचीनी का पाउडर की जरूरत होगी। मेथी के दाने के उपयोग से गंजेपन का आप इलाज कर सकते हैं। मेथी के दाने में निकोटिन एसिड और प्रोटीन होता है, जो बालों को पोषण देने के साथ साथ बाल लंबे और सुंदर करता है। गंजे सर पर मेथी के दाने का इस्तेमाल करने से उसमें तेजी से बाल उगने लगते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, मेथी के दाने रात को भिगो दीजिए, सुबह भीगे हुए दाने का पेस्ट बनाकर आप उन्हें बालों में रब कीजिए। देखिए बालों की जड़ों में जाने पर कैसे आपके बाल उगने लगते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।